अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ नहारी, मटन नहारी। इसके लिए मैं ले हूँ 1 किलो मटन है और थोड़े से बोन्स के साथ है। पूरा सॉलिड मटन नहीं लेंगे, थोड़ा उसमें थोड़ा चिकना और थोड़े हड्डियों के साथ। देखिए हड्डियाँ भी है और गोश्त भी है, इसके साथ अच्छी बनती नहारी। इसके लिए हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है: नमक, मिर्ची, हल्दी, अदरक लहसुन, धनिया का पाउडर, साबित काली मिर्ची, और मसालों में खसखस 2 टेबलस्पून, भुने हुआ रोस्ट किया हुआ, और ये 50 ग्राम के करीब ब्रश किया हुआ खोपरा, और भुने हुआ है, ये दोनों का पेस्ट बना के रख लेंगे। और हरे मसाले में कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची और 2 लेमन बड़े, और ये करण फूल के कुछ टुकड़े, और वो ज्वार का पत्ता, पोटली मसाले के पैकेट। चलिए अब सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। 2 टीस्पून फुल नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून फुल अदरक लहसुन और 2 टीस्पून फुल लाल मिर्ची। अब ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। गोश्त अच्छे से मसाला गोश्त को लगा दी मैं। अब इसमें थोड़ा सा कोथमीर पुदीने को बारीक काट के छोड़ देंगे, और 2 हरी मिर्चियाँ बीच में से कट करके 2 हरी मिर्चियाँ काट के छोड़ेंगे। और इसमें मैं 1.25 गिलास पानी, एक गिलास पानी मिला रही हूँ, और 1.25 लीटर का गिलास है ये। अब इसको हम आधे घंटे के लिए ढाप के छोड़ देंगे। चलिए हमारा आधा घंटा मुकम्मल हो गया और गोश्त अच्छा मैरिनेट हो गया। अब इसको कुकर में डाल के एक सात चीटी होने का 10 मिनट धीमे पर रख देंगे, ढक्कन लगाने के बाद तेज करके। 6 से 7 सीटी होने के बाद फ्लेम को मीडियम पे करके, 7 सीटी होने के बाद मैं 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दी। 10 मिनट हो गए, अभी चेक कर लेंगे। गोश्त चेक कर लेंगे गला या नहीं गला, कुछ तो गल चुका है, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाता। बराबर गला, अच्छा बराबर हो। गलने के बाद मैं खुले बर्तन में भगोने में डाल दी। अब इसमें मैं कुनकुना पानी ऐड कर रही हूँ, कुनकुना पानी डाल रही हूँ। छः गिलास पानी करीब 1.5 लीटर पानी है ये। अब इसमें बाकी के सब मसाले ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले चख के इसमें नमक कम है तो नमक डालें। 2 टीस्पून डाली थी मैं, कम है इसमें नमक, इसलिए 1 टीस्पून डाल। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से टेस्ट कर लेके डालना। साबित मिर्चियाँ डालें, 2 टीस्पून भुने हुआ पाउडर धनिया का, 1 करण फूल के टुकड़े, ये पीसेस हो गए, असल ये फ्लावर बने हुआ रहता, ये तेज पत्ते के पत्ते, 3 पत्ते, कटे हुआ कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्च, थोड़ी सी बघार में डालने के लिए रख ले, रोक लेंगे, बाकी डाल देंगे सब। लेमन का जूस, जो 2 लेमन बताई थी मैं उसका जूस। जो मैं खसखस खोपरा बताई थी उसका पेस्ट बना के रख ली, उसको तेल में अच्छा भून, मसाला भून के नहारी खोलते वक्त मिलाएंगे। और ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई,
और ये जो मसाला है नहारी का पोटली मसाला, इसको एक कपड़े में बन के, ये जो मलमल का नरम कपड़ा रहे ना, इसकी पोटली बने। चलिए हमारी पोटली बन गई, अब इसमें नहारे में छोड़ देंगे इसका। सब मसाले डालिए, अब इसको अब दूसरे चूल्हे पे वो खशखश खोपरे का मसाले को भून लेंगे। दो टेबल स्पून ऑयल डाल के कढ़ाई में मसाले को भूनेंगे। एक चम्मच 1 टीस्पून फुल अदरक लहसुन डाल के मसालों को अच्छा भून के नहारी में छोड़ेंगे। मसाले को अच्छा भूनेंगे, जितना तेल डाले थे अपन ऑयल डाले थे, वो ऑयल छुट जाना और इसकी कच्ची बहुत चले जाना, सूखा होने तक भूनेंगे। चलिए मसाला अच्छे से भुनेगा और इसकी कच्ची बहुत भी चले गई, अब फ्लेम बंद करके इसको नहारी में डालेंगे। चलिए जो मसाला भुने खशखश और खोपरे का, इसको इसमें डाल देंगे नहारी के पानी से। अच्छा 10 मिनट इसको अच्छा गोश्त पानी, ये गोश्त में पानी जब डालते ना कुनकुना पानी, तो जब 10 मिनट अच्छा खोला लेना, अच्छा पका लेना। सब मसाले डाल दिए, 1 कप आटे को मैं का घोल बना ली, मैं गेहूँ के आटे का घोल बना ली, अब इसमें हिलाते हुए मिक्स करेंगे इसको। जितना गाढ़ा पसंद है उतना जब तक रोक देना, पर जितना गाढ़ा हमको चाहिए उतना होने पर रोक देंगे। नहारी गाढ़ी हो गई, देखिए 5 मिनट के लिए इसको धीमे पे छोड़ देंगे। जब तक हमारी नहारी दम पे है, जब तक इसकी बघार की तैयारी कर लेंगे। एक पैन में मैं 4 टेबल स्पून ऑयल डाली और जब तक ये प्याज को इसमें फ्राई कर लेंगे। जब तक नहारी खोल रही, जब तक प्याज तले जा रही, धीमे पे रख दी मैं। अच्छा नहारी वो आटे की बहुत चली जाती, जब तक हम प्याज इसकी बघार की तैयारी करेंगे और डार्क गोल्डन ब्राउन होना, अदरक लहसुन भी इसमें फ्राई कर लेंगे और ये वाइट है भी सफ़ेद है, पूरी प्याज ब्राउन हो जाना और थोड़ा होना। चलिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही, जब तक इसमें 2 टेबल 3 स्पून फुल अदरक लहसुन डाल के अदरक लहसुन को भी ब्राउन कर लेंगे इसकी प्याज के साथ। चलिए हमारी नहारी तैयार हो गई और गाढ़ी अच्छी बन गई, दम पे रखी थी मैं, अब इसको फ्लेम को बंद करके बघार देंगे। अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन, अच्छा अच्छी स्मेल आना शुरू हो जाएगी और एक अच्छी बहुत चले जाना, प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो जाना और अदरक लहसुन भी और वाइट बना है, तो अदरक लहसुन में ब्राउन होना। अब इसमें जो हरा मसाला मैं थोड़ा सा बचा के रखी थी वो भी डाल दी। तो भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे, हरी मिर्ची है सब, हरा मसाला, अदरक लहसुन और प्याज सब फ्राई हो जाता है। चलिए तैयार हो गई, प्याज तैयार हो गई, डार्क गोल्डन ब्राउन है, उसको बघार देंगे। देखिए हमारी माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही और अच्छी से अच्छी बनी नहारी, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए। अब इसको डिश में निकालेंगे, चलिए इसको डिश आउट करेंगे।
चलिए हमारी नहारी की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।